हाय मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, सब लोग सुरक्षित होंगे। मैं राज अमरीश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पाइप एंड सिस्टर्न का टॉपिक टू पढ़ रहे हैं। टॉपिक एक का वीडियो मैंने डाल दिया था, पार्ट तीन पार्ट में है। देखिए, पहला प्रश्न है इसमें, दो नल एक टंकी को क्रमशः 15 मिनट तथा 12 मिनट में भर सकते हैं तथा तीसरा नल इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। पहले दोनों नल 5 मिनट तक खुले रहते हैं तथा इसके बाद तीसरा नल भी खोल दिया जाता है। टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? देखिए, दो नल पहले से खुला हुआ है ऑलरेडी, और बाद में खाली करने वाला नल भी खोल दिया जाता है, तो तीनों नल कार्य कर रहा है और अंत में टंकी खाली हो जाती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? बराबर में जीरो करेंगे। देखिए, ए है, बी है, सी खाली करने वाला है। ए अकेले भरता है 15 मिनट में, बी अकेले भरता है 12 मिनट में, सी अकेले खाली कर सकता है 6 मिनट में, 5 मिनट में, सॉरी 6 मिनट में अकेले खाली कर सकता है। तो छ कह रहा है, पहले दोनों नल 5 मिनट तक खुले रहते हैं, ये दोनों नल 5 मिनट तक चला खुले रहते हैं तथा इसके बाद तीसरा नल भी खोल दिया जाता है। अब ये भी खोल दिया गया, अब कितने समय में टंकी खाली हो जाएगी? तो माना तीसरा नल जब खुला, खाली करने वाला नल जब खुला, उसके 1 मिनट बाद टंकी खाली हो गई। ये दोनों को बंद तो नहीं किया है, ये दोनों भी चल रहा है, भरने वाला दोनों नल भी चल रहा है और खाली करने वाला भी खोल दिया गया, तो अंत में टंकी खाली हो गई। तो बराबर में क्या करेंगे? जीरो। तो ये हो जाएगा दाएं बटा बाएं प्लस दाएं बटा बाएं माइनस दाएं बटा बाएं बराबर जीरो। ठीक है, अब इन सब का लसा लेंगे तो हो जाएगा लसा कितना? 15, 12 और 6 का लसा आ जाएगा 60। 15 से 60 में भाग देंगे 4 बार में, 4 से इसमें गुना करेंगे, 4 5 20 प्लस 4x प्लस 12 से 60 में भाग देंगे तो 5 बार में, तो 5 5 25 प्लस 5x माइनस 6 से भाग देंगे 60 में तो 10 बार में, तो ये 10x। समझिए, बराबर जीरो। तो 5 4 9x में से 10x गया तो माइनस एक्स, 20 और 25 45 तो प्लस 45 बराबर जीरो। 60 बटा में उधर ले जाएंगे गुना में तो 0 × 60 तो जीरो आ जाएगा, तो माइनस एक्स बराबर माइनस 45, माइनस से माइनस खत्म तो x बराबर आ गया 45। कितने समय में टंकी खाली हो जाएगी? 45 मिनट में। अब इसका दूसरा मेथड देखिए, दूसरा मेथड से इसको बनाएंगे। ए है, बी है, सी खाली करने वाला है। ए अकेले भरता है 15 मिनट में, बी अकेले भरता है 12 मिनट में, सी अकेले खाली करता है 6 मिनट में। टोटल कार्य तीनों का लसा मानेंगे तो 60 आ जाएगा। ए 60 लीटर पानी 15 मिनट में भरता है तो 1 मिनट में 4 लीटर भरेगा। बी 12 मिनट में 60 लीटर पानी भरता है तो 1 मिनट में 5 लीटर भरेगा। सी 6 मिनट में 60 लीटर पानी भरता है तो 1 मिनट में 10 लीटर भरेगा, सॉरी खाली करने वाला है तो 10 लीटर खाली करेगा, माइनस लग जाएगा इसमें। अब देखिए, पहले दोनों नल चला तो दोनों मिल के 1 मिनट में 9 लीटर भर देगा, 4 लीटर 5 लीटर 9 लीटर, और 5 मिनट तक चला तो 9 5 45 लीटर और इसमें पानी हो गया, 45 लीटर हो गया ना, 60 लीटर पहले से है, 45 लीटर सॉरी सॉरी पहले से उसमें पानी था कहाँ, टंकी तो खाली थी, तो 45 लीटर भर गया। अब खाली करने वाला जो है, अब उसके बाद पाँच मिनट में दोनों मिलके 45 लीटर पानी अंदर डाल दिया, टंकी तो खाली थी, यानी 45 लीटर पानी उसमें आ गया। अब तीनों को खोल दिया गया तो 4 5 9 में से 10 गया तो माइनस 1, माने 1 लीटर
प्रति मिनट खाली हो रही है, तो 1 लीटर प्रति मिनट खाली हो रही है, तो 45 लीटर खाली करने में कितना समय लगेगा? तो 45 मिनट। 1 लीटर, एक लीटर 1 मिनट में खाली हो रही है, उसमें पहले से पानी जो दोनों मिल के भरा वो 45 लीटर है, तो खाली करने में कितना समय लगेगा? 45 मिनट। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। दो पाइप किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे एवं 12 घंटे में भरते हैं। ए है, बी है, ये दोनों भरने वाला है, सी खाली करने वाला है। ए भरता है 15 घंटा में, बी भरता है 12 घंटा में, सी खाली करता है 4 घंटे में। अब माना कि 8 बजे जो खुला उसके 1 घंटा बाद टंकी खाली हो गई, तो जो 8 बजे खुला वो 1 घंटा चला, अर्थात 1 घंटा कार्य में शामिल है। तो जो 9 बजे खोला गया वो तो 1 घंटा कम चलेगा, तो हो जाएगा x-1। जो 11 बजे खुला वो 3 घंटा कम चलेगा, तो x-3। 8 बजे के 3 घंटा बाद खोला गया है इसको, सी को, तो जितना देरी चला उससे 3 घंटा ही कम चलेगा। अब दाएं बटा बाएं कर दीजिए, तो दाएं बटा बाएं प्लस दाएं बटा बाएं अब माइनस, ये माइनस लग जाएगा चूँकि खाली करने वाला है। x-3/4 बराबर में 0। तीनों नल मिलकर कार्य कर रहा है तब भी अंत में टंकी पूछ रहा है कितने देर में खाली हो जाएगी, अर्थात बराबर में 0। तो इस सब का लसा आ जाएगा 60, 15 चौका 60, तो 4x, 12 25 60, तो 5x-5, 4 से 15 बेर में तो -15x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 तिया 45 बराबर में 0। 4 5 9, 9 में से 15 गया तो -6x, 9 में से 15 गया तो -6x ना, यही हो जाएगा 45 में से 5 गया तो 40, तो इधर +40, अब बराबर में तो 0 हो जाएगा, 60 × 0 = 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको -6x बराबर -40। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 3 और 2 से 20, तो x बराबर आ जाएगा 20/3, यानी 6.2/3, यानी 6 घंटा 2/3 घंटा को मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुना, तो 3 से 20, यानी 6 घंटा 20 × 40 मिनट, यही आएगा ना। तो पूछ रहा है कि कितने बजे टंकी खाली हो जाएगी, तो 8 बजे के 6 घंटा 40 मिनट बाद टंकी खाली हो जाएगी। तो अभीष्ट उत्तर क्या हो जाएगा? अभीष्ट उत्तर हो जाएगा 8 बजे में 6 घंटा जोड़ेंगे तो 8 × 6 = 14, 14:40, यानी 2:40 PM में। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। इसका दूसरा मेथड देखिए। ये खाली करने वाला है तो ये 15 घंटा में भरता है, ये 12 घंटा में भरता है, ये 4 घंटा में खाली कर देता है। टोटल कार्य हम मान लेते हैं कि 60 लीटर होता, भरता उसमें पानी, तो 15 से 4 बेर में कट रहा है, तो ये 4 लीटर भरेगा 1 मिनट में, 1 घंटा में। इस 12 से कटेगा 5 बार में, तो 1 घंटा में 5 लीटर भरेगा, ये खाली कर देगा 15 लीटर, 4 से 15 बार में कटेगा। अब है कि जब तीसरा को खोला गया तब तक ये दोनों कितना कितना देर चला, उतना ही टंकी में पानी ना आया होगा, अभी तो टंकी खाली है। हम ये तो निकाले जी टंकी की इतनी क्षमता होगी कि टंकी में इतना पानी अटता होगा ना, लेकिन यह कह रहा है कि पहले इसको देखिए कि दोनों कितना देर चला है, इसको खोलने से पहले कितना लीटर उसमें पानी आया। तो अब है कि ये चला 8 बजे, आई चला है 11 बजे, तो 3 घंटा तब तक ही चला, यानी 12 लीटर पानी उसमें डाल दिया। अब प्लस ये चला है 9 बजे, ये चला है 11 बजे, तो 2 घंटा चला, तो 5 × 2 = 10 लीटर और पानी डाल दिया, तो 12 × 10 = 22 लीटर अभी टंकी में पानी है, 22 लीटर पानी है टंकी में, 4 × 3 = 12, 5 × 2 = 10, हाँ ठीक है। अब है कि 5 × 4 = 9, 9 लीटर भरेगा और 15 लीटर खाली करेगा, तब तो जो पहले से भरा वो खाली होगा,
तो कितना? 6 के स्पीड से खाली होगा, 6 के स्पीड से ना खाली होगा अब तो, 6 के स्पीड से खाली होगा माने देखो बात को समझिएगा, 4 लीटर ही भरता है, 5 लीटर भरता है, अब तो तीनों ना चलने लगा, 11 बजे के बाद तीनों चलने लगा, तो 9 लीटर डाला ही, 15 लीटर खाली किया, तब तो 6 लीटर भरल मलावे से खाली हो रहा है, तो बटा 6, अब इससे इसको काटेंगे तो 2 से ही 3 बेर में, 2 से ही 11 बेर में, तो 3 पूर्णांक 2/3 आ जाएगा, 3 9 2 11/3, यानी 3 घंटा, और 2/3 घंटा को मिनट में बदलेंगे तो 3 से ही 20, तो 3 घंटा 40 मिनट। तो कब के 3 घंटा 40 मिनट? 11 बजे के, जब ई खोला गया उसके बाद ना, 11 बजे के 3 घंटा 40 मिनट लगा, तो 11 बजे में जोड़ देंगे 3 घंटा 40 मिनट, तो आ जाएगा 11 3 14 40, 14 40 अर्थात 2:40 PM, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोनों बात आप समझ गए होंगे। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, पाइप एंड सिस्टर्न के टॉपिक 2 का नेक्स्ट प्रश्न, एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं, इनमें से एक पाइप टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप टंकी को 5 घंटे में खाली कर सकता है। टंकी का 3/4 भाग भरा है और तब दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो कितने समय में पूर्णतः खाली हो जाए? 3/4 भाग पहले से टंकी का भरा हुआ है, इस बात पे ध्यान देना है। आइए सेट करते हैं इसको, ए है, बी है, बी खाली करने वाला है, ए भरने वाला है। ए 8 घंटा में भरता है, बी 5 घंटा में खाली कर देता है। अब माने कि x घंटे बाद टंकी खाली हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर 3/4 भाग पहले से भेल है काम, तो 3/4 पहले ही प्लस करेंगे, उसके बाद दाएं बटा बाएं, अभी खाली करने वाला है तो माइनस, दाएं बटा बाएं बराबर में 0। जब दोनों नल को खोल दिया गया, 3/4 भाग टंकी भरा हुआ था पहले से, तब भी बाद में टंकी खाली हो गई, तो बराबर में 0 करेंगे, और 3/4 प्लस यहाँ क्योंकि पहले, चूँकि 3/4 भाग पानी पहले उसमें है, टंकी में पहले से 3/4 भाग पानी है, अगर टंकी पूर्णतः भरी होती तो यहाँ 1 प्लस करते, 1/4 भाग भरी होती तो 1/4 प्लस करते। अब देखिए तीनों का लस आ जाएगा 40, 4 दहे 40 तो 10 3 30 प्लस 8 5 40 तो 5x माइनस 5 8 40 तो 8x बराबर 0। 40/ में उधर गुना में जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा -3x बराबर -30, 8 में से 5 गया तो -3x, आई उधर जाके -30, इसे ही कट गया 3 से 10 बार में, तो x बराबर आ गया 10। तो टंकी कितने देर में खाली हो जाएगी? 10 घंटे में, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। अब इसका दूसरा टाइप देखिए, ए भरता है 8 घंटे में, बी खाली करता है 5 घंटे में, दोनों का लस कितना आ जाएगा? 40। ए 1 घंटा में 5 लीटर पानी भरेगा 8 बजे 40, बी 8 घंटे जो है खाली करने वाला 8 लीटर खाली कर देगा। अब कह रहा है कि पहले से 3/4 भाग पानी है, यानी 30 लीटर पानी उसमें पहले से है, अब खाली करने वाला ये दोनों जब खोल दिया जाएगा, टोटल उसमें 40 लीटर पानी अटता है, जिसमें से 3/4 भाग पानी है उसमें अभी टंकी में, तो 40 के 3/4 यानी 10 30 लीटर अभी है उसमें पानी। अब खाली करने वाला जो है, जब दोनों को खोल दिया जाएगा तो 1 मिनट 1 घंटा में, घंटा में है ना, तो 1 घंटा में 3 लीटर पानी खाली हो जाता है, तो टोटल टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा? 10 घंटा। उम्मीद करते हैं बात आप समझे होंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं।
कह रहा है कि दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 8 मिनट तथा 10 मिनट में भरता है। दो नल है, एक 8 मिनट में भरता है, दूसरा 10 मिनट में भरता है। एक निकासी नल प्रति मिनट 40 लीटर पानी बाहर निकालता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो भरी टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है। टंकी की धारिता कितनी है? अच्छा, अब पूछ रहा है कि टंकी में कितना पानी अटता है। ठीक है, यह पूछ रहा है कि टंकी में कितना पानी अटता है। आइए इसके लिए देखते हैं। अगर यह पता चल जाए कि सी अकेले मान ले रहे हैं सी अकेले 10 मिनट में खाली कर सकता है टंकी को, 1 मिनट में 40 लीटर पानी बाहर निकालता है, प्रति मिनट 40 लीटर पानी बाहर निकालता है ये, और 10 मिनट इसको अगर लगेगा तो उस टंकी में कितना पानी अटता होगा? 400 लीटर है ना। तो इसी बात को समझना है कि यही निकालना है कि अकेले कितना देर में खाली करता है। ठीक, चलिए निकालते हैं। अब है कि भरी टंकी में, माने पहले से एक काम भेल है, अब भरी टंकी में यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो भरी टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है। तो जब तीनों एक साथ चला तो 40 मिनट में टंकी खाली हो गई, तो माना कि 1 मिनट में अकेले खाली करती होगी। दाएं बटा बाएं प्लस दाएं बटा बाएं अब माइनस, ये तो खाली करने वाला है ना, तो माइनस लगेगा, 40/1 बराबर में 0। जब तीनों नल मिलकर कार्य किया तब भी टंकी खाली हो गई। अब पहले से टंकी भरी थी इसलिए एक पहले से प्लस किया, 8 × 5 = 40, इससे ही कट गया, 5 × 4 = 9 = 1 = 10, 10 इधर प्लस में उधर जाके माइनस में, तो −40/1 बराबर −10, माइनस से माइनस खत्म, शून्य से शून्य, तो एक्स बराबर आ गया 4। यानी 4 मिनट में टंकी को ये अकेले खाली कर सकता है। सी जो है अकेले 4 मिनट में टंकी को खाली कर सकता है और 1 मिनट में 40 लीटर पानी बाहर निकालता है, और पूरा टंकी खाली करने में 4 मिनट लगा, तो उस टंकी में कितनी पानी अटती होगी? तो इसलिए टंकी की धारिता बराबर, चार गुने 40 यानी 40 × 160 लीटर, उस टंकी में कितना पानी अटता होगा? 160 लीटर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप बात को समझे होंगे। इसका दूसरा मेथड भी देख लीजिए। यह है 8 मिनट में, 10 मिनट में इसका पता नहीं है, कितना मिनट में इसका पता है कि तीनों मिलके 40 मिनट में खाली कर देता है। तीनों का लसत आ जाएगा 40, तो ये 8 × 5 = 40, ये 10 × 40, तो ये दोनों तो भरने वाला है तो प्लस होगा, आई 1। अब देखिए कि 5 × 4 = 9, ये खाली कर रहा है, खाली हो रहा है ना, अंत में टंकी खाली हो जाती है, तो 5 × 4 = 9, तो ये दोनों प्लस में है, तो यहाँ कितना रखे कि माइनस में आ जाएगा −1, तो ये −10 रखेंगे तब ना आ जाएगा ये −1। बात समझ में आ रही है? और ये −10 रखेंगे तो 5 × 4 = 9 में से 10 गया −1, खाली कर रहा है तो माइनस लगेगा, खाली हो जाता है तो देखिए 1 मिनट में 10 लीटर पानी बाहर निकालता है, तो पूरा टंकी को खाली करने में इसको कितना देर लगता है? 4 मिनट। अब 4 मिनट में अकेले खाली कर सकता है और 1 मिनट में 40 लीटर पानी बाहर निकालता है, तो 40 × 160 लीटर उसमें पानी अटता होगा। उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। ठीक है, नया प्रश्न है, एक टंकी की तली में बना छेद भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। एक नल टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता है। यदि दोनों नल को एक साथ खोल दे तो भरी टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। टंकी का आयतन क्या है? टंकी का आयतन या टंकी की क्षमता या टंकी की धारिता बात एक ही है, मतलब उसमें कितना लीटर पानी अटता है। समझिए, एक नल है जो टंकी को
8 घंटे में खाली कर सकता है। दूसरा है जो भरने वाला नल है वह 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी अंदर डालता है, यानी 1 मिनट में 6 लीटर पानी अंदर डालता है। अगर यह पता चल जाए कि कितना देर में भरे अकेले भरेगा, 1 मिनट में 6 लीटर पानी अंदर डालता है, अगर मान लीजिए 10 मिनट में भरता है तो 10×60 लीटर उसमें पानी अटेगा। तो यही मेन निकालना है कि यह अकेले कितना देर में भरेगा। अब कह रहा है यदि दोनों नल एक साथ खोल दे तो भरी टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। दोनों 12 12 घंटा कार्य करता है तो टंकी खाली हो जाती है। तो माना कि अकेले 1 मिनट में भरेगा। तब देखिए -12/8 होगा और +12/1, ये तो खाली करने वाला है, भरने वाला है, आ एक कार्य पहले से भेल है तो एक होगा, ये प्लस में आएगा एक इधर और बराबर 0। 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12। अब 3/2 मतलब डेढ़, डेढ़ में से गया तो आधा बचा, तब 12/x = ½ इधर माइनस में तो उधर जाके प्लस में, तो 1/2 तो 1 = 12 × 2 = 24 घंटा लगेगा। 24 घंटा लगेगा इसको अकेले भरने में, और 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी अंदर डालता है तो टंकी की धारिता कितनी होगी? टंकी की धारिता बराबर हो जाएगी, 1 मिनट में 6 लीटर है और 24 घंटा को मिनट में बदलेंगे 60 से गुना करके, तो 24 घंटा में इतना मिनट है, 1 मिनट में 6 लीटर, तो इतना मिनट में कितना लीटर पानी अटेगा तो गुना कर देंगे 24×6 = 144 में 6 से, 6×24 = 4 हासिल 2, 14×84 = 2 = 86, 8640 लीटर इसमें पानी अटता होगा। इसका दूसरा मेथड देखिए, कह रहा है कि ये गो 8 घंटा में ही खाली करता है, अभी भरने वाला का पता नहीं, लेकिन जब दोनों मिलके 12 घंटा कार्य करता है तो टंकी भर जाती है। तो 8 और 12 का लसत तो 24 आएगा, तो 8×3 = 24 - 3, आई 12×2 = 24, 2 तो भी माइनस में आएगा, तो -3 है आई -2 है, तो प्लस में यहाँ कितना रखेंगे कि -2 आएगा, तो +1 रखेंगे, मतलब भरने वाला एक घंटा में 1 लीटर पानी डालता है, तो अकेले 24 लीटर अगर भरना होता तो कितना देर लगता है इसको, 24 घंटा। अभी अकेले 24 घंटा में भरेगा और 1 घंटा में 6 लीटर पानी, सॉरी 1 मिनट में 6 लीटर पानी अंदर डालता है, 24 घंटा में इतना मिनट, तो इतना मिनट में कई लीटर पानी अंदर डालेगा, तो इतना तो गुना करके आ जाएगा 8640 लीटर। बहुत आसान है, टफ नहीं है, बहुत आसान है, आप सॉल्व कर सकते थे। अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, मिटा दूँ इसको। नहीं समझ में आए तो बार बार वीडियो देखिएगा, खुद ब खुद समझ में आने लगेगा, ठीक ना। अब इस प्रश्न पे देखिए, नल ए किसी हौज को 20 मिनट में भरता है जबकि नल 20 में से 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर निकलता है, मतलब 1 सेकंड में 5 लीटर पानी बाहर निकाल देता है। पूर्णतः खाली हौज में दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो 100 मिनट में भर जाती है। अब यहाँ फिर हौज भर गया, दोनों खोल दिया गया, भरने वाला भी खाली करने वाला भी, तो हौज भर गया, मतलब बराबर में 1 होगा। ए है, बी है, बी खाली करने वाला है, भरने वाला है, ये भरता है 20 मिनट में, और ये खाली करने वाला का पता नहीं कि कितना देर में अकेले खाली करता है, लेकिन हाँ यह पता है कि 100 मिनट दोनों कार्य करता है तो टंकी भर जाती है। तो माना ये 1 मिनट में अकेले खाली करेगी, तो 100/20 - 100/x = 1। ये कट जाएगा 20×25 = 100, तो -100/x = -4 आ जाएगा, उधर जाके माइनस से माइनस खत्म, 4 से ही 25, तो x = 25, ठीक है। अब देखो 25 मिनट लगा इसको अकेले खाली करने में, और
25 मिनट लगा है तो इसको सेकेंड में बदलेंगे, तो 25 को 60 से गुना करेंगे तो सेकेंड में आ जाएगा। और 1 सेकेंड में 5 लीटर पानी अंदर डाल अति बाहर निकालता है, तो इतना सेकेंड में कितना लीटर निकालेगा? तो यही तो टंकी की धारिता हो जाएगी। देखिए मेन है कि टंकी की धारिता निकालने के लिए जो नल जिस नल का दर दिए हुए रहता है, जिस नल का दर दिए हुए रहता है वह अकेले खाली करने वाला है तो कितना देर में खाली करता है, भरने वाला है तो कितना देर में भरता है, यह जानना जरूरी है। ठीक है, अब इसको दूसरे गुना कर लीजिएगा, 25 25 125, 25 छक्का 150, 150 में गुना करेंगे 5 से तो 15 5 75 100 लीटर। दूसरा मेथड देखें, ये अकेले भरता है 20 मिनट में, ये खाली करने वाला का पता नहीं है, ये भरने वाला है, दोनों 20 और 100 का लसा 100 आ जाएगा। मान लेते हैं कि उस टंकी में 100 लीटर पानी अटता हो, तब क्या होगा? देखिए ती तो भरने वाला है तो 1 मिनट में 5 लीटर पानी डालेगा, अब यहाँ पर 100 से 100 में भाग देंगे तो 1 लाना है, तो यहाँ कितना रखना पड़ेगा? -4, तभी तो ये +1 आएगा, चूँकि अब टंकी भर जाती है इसीलिए प्लस में लिए, जब खाली हो जाता था तो माइनस लेते थे ना, तो टंकी भर जाती है तो ये प्लस में लिए, अभी ये तो माइनस में होगा, तो 4 से कितना 25 बार में लगेगा, तो 25 मिनट में टंकी खाली कर देगा, ये खाली करने वाला है तो ये अकेले 25 मिनट में टंकी खाली कर देगा, और 1 मिनट में अति 1 सेकेंड में 5 लीटर पानी बाहर निकलता है ना, 1 सेकेंड में 5 लीटर पानी बाहर निकलता है, तो 25 मिनट में कै सेकेंड होगा? तो टोटल इतना पानी बाहर निकालेगा यानी 7500 लीटर। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल का नाम तो पता ही है आपको, स्टेपिंग स्टोन मैथ्स एंड रीजनिंग। ठीक है, थैंक यू।